श्रेष्ठ भारत के तमाम दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से। जी हां, ये ऐतिहासिक स्टेडियम है जहां पर कई मैच खेले गए, मशहूर मैच खेले गए हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला, या यूं कहें महामुकाबला, भारत बनाम पाकिस्तान यहीं पर खेला जाएगा शनिवार को। और जाहिर सी बात, अगर आप देखा जाए तो दोनों टीमों ने आज प्रैक्टिस किया, हालांकि दोनों टीमों के लिए ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन रहा। अगर पाकिस्तान की बात करें तो बाबर आजम उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, लेकिन एक चीज़ जो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा आप लोगों को कि जो एक ड्रामा आपको देखने को मिलता है, जो फीवर देखने को मिलता है भारत पाकिस्तान मैच का, कि पाकिस्तान के भी दर्शक आ रहे हैं, भारत के भी दर्शक आ रहे हैं, और दोनों के बीच में एक जो टकराव देखने को मिलता है और माहौल जमता है, वो चीज़ आपको यहाँ पर अहमदाबाद में देखने को नहीं मिल रही है। और इसकी वजह है पाकिस्तानी फैंस नहीं आए हैं, सिर्फ इंडियन फैंस हैं। इंडियन फैंस को पता है कि भाई इंडियन टीम है, तो अगर आप अहमदाबाद में आएंगे, अहमदाबाद की गलियों में घूमेंगे, तो आपको लगेगा कि वर्ल्ड कप का मुकाबला है, लेकिन ये शायद एहसास ना हो कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला है। क्योंकि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला का मतलब दोनों मुल्कों के जो क्राउड आते हैं, जो आपस में जिस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, मैच से पहले का फीवर बनता है, वो थोड़ा सा मिसिंग है। लेकिन कल जब इंडियन टीम मैदान में उतरेगी, शनिवार को जब मैदान में उतरेगी, तो सारी ये बातें भुला दी जाएगी, क्योंकि 1,32,000 जो दर्शक होंगे उसमें निश्चित तौर पर 99% से भी ज़्यादा हिंदुस्तानी होंगे, और पाकिस्तानी टीम ने इतने ज़्यादा क्राउड के सामने कभी भी मैच नहीं खेला होगा। और ये सवाल रोहित शर्मा से पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इतने लोग रहेंगे क्या आप लोग पे तो दबाव नहीं बनेगा। रोहित ने कहा कि हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम इंडिया में खेलें या विदेश में, हमें क्राउड का इसी तरह का समर्थन मिलता है। और एक बहुत कॉन्फिडेंट टीम देखने को मिल रही है। आप सभी की नज़रें शुभमन गिल पर हैं। शुभमन गिल ने करीब 45 मिनट की नेट प्रैक्टिस की, और उससे साफ लग रहा है, इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि शुभमन गिल शायद ओपन करेंगे। लेकिन रोहित शर्मा ने, कप्तान ने एक बड़ी ट्रिकी बात की, उन्होंने कहा 99% फिट हैं, 1% की उन्होंने गुंजाइश रखी। शायद 1% का मतलब है कि चूंकि अगर इंडिया को अगर पहले यहाँ फील्डिंग करनी पड़ गई धूप में, वो शायद मुश्किल हो जाएगी शुभमन गिल के लिए। तो एक चांस है, बट जिस तरह से बैटिंग की शुभमन गिल ने, जिस तरह से वक्त बिताया, इतना तो तय है कि शुभमन गिल भले वो पाकिस्तान के खिलाफ ना खेले, लेकिन इसके बाद जो मुकाबला पुणे में होने वाला है उसमें वो ज़रूर खेलेंगे। टीम इंडिया में एक बदलाव आप देख सकते हैं, रविचंद्रन अश्विन जो दिल्ली में नहीं खेले थे, वो चेन्नई में खेले थे, वो फिर से वापस आ सकते हैं। मोहम्मद शमी ने काफ़ी देर तक गेंदबाजी की, लेकिन सवाल यह है कि मोहम्मद शमी आएंगे तो किसकी जगह पर आएंगे। ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था, तो टीम के जो अहम खिलाड़ी हैं, अब हार्दिक पांड्या की बात करें वो नहीं आए, मोहम्मद सिराज नहीं आए, जसप्रीत बुमराह नहीं आए, जो तीन तेज़ गेंदबाज हैं, आपके अहम तेज़ गेंदबाज हैं, उन्होंने अभ्यास नहीं किया। कुलदीप यादव टीम के तुरुपता इक्का हैं, वो भी नहीं दिखे। जडेजा ने काफ़ी देर तक बैटिंग की, बॉलिंग की, विराट कोहली ने बहुत देर तक बैटिंग की, रोहित शर्मा ने बैटिंग नहीं की, श्रेयस अय्यर ने बैटिंग की, तो तमाम जो खिलाड़ी हैं रिदम में हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए, भारत का बहुत ही शानदार रिकॉर्ड रहा है पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में, 50 ओवर वर्ल्ड कप में 7 मुकाबले हुए हैं, 7 मैच भारत ने जीते हैं। यहाँ पर अहमदाबाद में अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी भारत का जो है रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है। लेकिन जैसा कि रोहित शर्मा ने कहा कि पुराने रिकॉर्ड के कोई मायने नहीं रखते हैं, ये नया दिन नया मुकाबला, और उम्मीद की जा सकती है इंडियन टीम जो लगातार अच्छा फॉर्म दिखाते हुए आई है, पहले तीन मैच हम बार बार कह रहे थे, क्योंकि 8 तारीख को इंडिया ने पहला मैच खेला, और यहाँ पर अगर आप देखा जाए 14 तारीख को तीसरा मैच होगा, 6 दिन के अंदर में 3 मैच, और ये तीनों मैच अगर इंडिया जीतती है तो लगभग सेमीफाइनल की राह पक्की हो जाएगी। इनफैक्ट दोनों टीमों में से अगर पाकिस्तान भी जीतता है, पाकिस्तान पर इतिहास का दबाव होगा, हर हाल में उन्हें भारत का जो अश्वमेघ रथ जो चला आ रहा है वर्ल्ड कप में, उसको तोड़ने की जिम्मेदारी होगी। अगर उन पर वो दबाव है तो टीम इंडिया पर ये दबाव होगा कि इस जीत के सिलसिले को बरकरार रखें। तो फिलहाल अहमदाबाद में जो है टिकट का कोई गिनती नहीं है, लोग 50,000 लाख रुपए खर्च करने को तैयार हैं, बहुत सारे लोगों को टिकट नहीं मिला है, और शनिवार को जितने लोग मैदान के अंदर में रहेंगे, अगर उसके 20-30% लोग बाहर में भी, 30-40 हज़ार लोग आपको बाहर में स्टेडियम के बाहर नजर आएँ तो चौंकिएगा नहीं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, विमल कुमार की ये रिपोर्ट। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।